ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, डिवाइन नेचर क्योर में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि धुएं से किस तरीके से हम इतना पोल्यूशन हो रखा है दिल्ली NCR में, कि धुएं से कैसे हम इतने पोल्यूशन में कैसे सर्वाइव करें, क्या सावधानी करें और क्या क्या विशेष जो है हम इसमें अपनी डाइट में ऐड करें जिससे कि इस पोल्यूशन से हम बच सकें। देखिए क्या होता है कि इतना पोल्यूशन, एयर क्वालिटी इतनी पोर हो रखी है कि अगर आप देखेंगे तो बच्चों पे, बड़े बूढ़े, जितने जिनके भी लंग्स क्या कमज़ोर हैं या जिनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, और उसके अलावा जो जनरल भी हैं, सबके लिए कहीं आँखों में, कहीं नोस्टल में, कहीं सर्दी जुखाम एलर्जी, इस तरह की प्रॉब्लम से बढ़ जाना, ये इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रखा है अभी कुछ दिनों के अंदर। तो ऐसे में आप जो है क्या क्या खाएं, किस तरीके से इस पोल्यूशन से अपने आप को बचाएं और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर हमें इस पोल्यूशन में सर्वाइव करना है तो हमें सबसे पहले तो जल्दी उठकर जो है उठना चाहिए थोड़ा सा, और उठकर कुछ एक प्राणायाम, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम इसमें बहुत अच्छा काम करता है। भस्त्रिका प्राणायाम जैसे ही आप करते हैं, आपके नोस्टल्स खुलते हैं, अंदर से गंदगी बाहर निकलती है, और विशेष सर्दियों में भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। अगर इसका आप अभ्यास जो है घर के अंदर ही करें, पार्क में ना करें आजकल जो है, क्योंकि पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, घर के अंदर बैठकर ही आप भस्त्रिका प्राणायाम 3 से 5 मिनट आप कर सकते हैं। तो देखिए, भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करना है, आराम से या पद्मासन सुखासन में बैठकर आप दोनों हाथों को श्वास भरते हुए, रुमाल आप साथ में रख सकते हैं, और जैसे ही अंदर गंदगी निकलेगी तो उसको आप क्लीन करने के लिए श्वास भरेंगे। ऐसे आप जो है आप भस्त्रिका प्राणायाम करिए 3 से 5 मिनट। क्या होगा, पूरे आपके लंग्स खुलेंगे, आपके लंग्स का एक्सपेंशन होगा, आपको पोल्यूशन से बड़ा बचाव मिलेगा। दूसरा, खाने पीने में इन दिनों में अक्सर हमें क्या करना चाहिए पोल्यूशन के समय, अदरक 1 चम्मच, अदरक का रस 1 नींबू और 1 चम्मच शहद, ये त्रिदोष नाशक जो है आपका काढ़ा बन जाता है तैयार ऐसा। तो थोड़े से गर्म पानी में 1 चम्मच अदरक का रस डालें, 1 नींबू डालें और 1 चम्मच शहद को अगर आप डालते हैं तो उससे क्या होगा, अगर आप सुबह शाम ये पीते हैं तो इस पोल्यूशन से आप बहुत अच्छा बचाव मिलेगा। आपको अगर कफ की समस्या है उसमें भी लाभ मिलेगा, शरीर में दर्दे हैं, वात के रोग उनमें भी लाभ मिलेगा, अगर नींबू आप ले रहे हैं तो पित्त में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये त्रिदोष नाशक काढ़ा बन जाता है, तो गर्म पानी के साथ आप ये ले। दूसरा, गुड़ का सेवन आपको स्पेशली इन दिनों में करना चाहिए, सुबह शाम खाने के साथ हर रोज गुड़ का सेवन करें। जब भी पहले, आजकल फैक्ट्रियों में जहाँ भी धुएं का काम होता है उसमें क्या है, गुड़ अलग से दिया जाता है ताकि जो है जब काम करते हैं तो उनके लंग्स पे प्रभाव ना पड़े, तो गुड़ का सेवन करें, फास्फोरस उसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पोल्यूशन से आपको बचाव करेगा। तीसरा, आंवला जो है ये कफ का दुश्मन है, कफ का नाशक है पूरा, और पित्त नाशक भी है। तो आंवला ठंडा होते हुए भी हमें कफ रोगों से बचाता है, इसलिए 2 या 3 आंवले का रस या आंवले की चटनी, लेकिन कच्चा खाना है आपने, किसी आंवले की कैंडी वगैरह वो नहीं खानी है, आंवले का मुरबा नहीं खाना है क्योंकि उनमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो आप जो है
आंवले का रस लीजिए, 3-4 आंवले का रस आप एक आदमी के हिसाब से पर हेड के हिसाब से आप ले सकते हैं। दूसरा, ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा आंवला। आंवला बहुत ही ज़रूरी है, आंवले को लीजिए आप, यूज करिए। बाकी इसमें इन दिनों में सावधानी क्या रखे आप, सावधानी ये रखनी है आपने, सुबह उठ के जल्दी आपने पार्क में या योगा करने के लिए बाहर नहीं जाना, जब तक धूप नहीं निकलती तब तक आप बाहर ना जाएं। और इसके साथ साथ जो लोग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, घर में बैठे हुए लोगों के साथ तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि दूसरों को भी उससे प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उसको भी आप सावधानी रखें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, सलाद ज़्यादा खाइए आप, खट्टे फल मौसमी, पाइनएप्पल, नारियल पानी, इनको जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो ये सावधानी आप इसमें रख सकते हैं। और बाहर लग जाएं तो मास्क आदि लगाकर भी आप जा सकते हैं, और कोशिश करें जितना आप घर के अंदर रह सके उतना रहिए। शाम को भी खाना खाने के बाद जैसे घूमने जाते हैं वो भी आप ना जाइए। तो देखिए, इसमें मैंने बताया आपको कि सबसे पहले तो आप गुड़ खाइए हर रोज़, आंवले का सेवन करें, खट्टे फलों का सेवन करें, जूस पीजिए, और साथ साथ ही आप जो है प्रदूषण से इसे बचने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम हर रोज़ करें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओम शांति। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आपका। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओम शांति।